अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कटकड़ी, जिसको हम चने के दाल के पानी से बनाते हैं। यानी मैंने यहाँ पर 1 केजी चने के दाल लिया है, जो मैंने पूरन पूली बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, तो मैं वही पानी का इस्तेमाल करूँगी कटकड़ी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो कुकर में 1/2 कप दाल को कुक कर कर उसी पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ कढ़ी बनाना चाह रहे हैं तो। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया, धनिया सीड्स और थोड़ा सा करी लीव्स। आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, मैंने यहाँ पर 1 केजी दाल इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर पूरन पूली बना रही थी। आप सिर्फ कढ़ी बनाना चाहते हैं तो आप 1/2 कप दाल का इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिल्ली और गार्लिक ऐड किए हैं और मैं यहाँ पर 2 ऑनियन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑनियन को बारीक काट लें आप। तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हल्दी हम सबको जब तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारी ऑनियन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारे ऑनियन का कलर चेंज हो रहा है। तो अब मैं इसमें 1/2 कप दाल ऐड करूँगी, जो मैंने बॉईल कर कर रख लिया था। मैं वही दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने दाल ऐड कर कर गैस को बंद कर दिया है। हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर ये वही पानी है जो मैंने दाल बॉईल कर कर निकाला हुआ था। अब इस पानी में हम इमली का पानी मिक्स करेंगे और जो मैंने सारे मसाले बना लिए थे उन सारे मसालों का ये पेस्ट है, तो मैं इसी पानी में उन सारे मसालों का पेस्ट ऐड करूँगी और अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, आप सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सा गुड़। गुड़ अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो उसको थोड़ा कम ऐड कीजिए और 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट। आप कोकोनट को मिक्सर में थोड़ा सा दुरदुरा पीस लें। इन सारे चीज़ों को हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे और इसका तड़के के लिए हम तैयारी करते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब हम तड़के के लिए थोड़ा सा क्यूमिन सीड और मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। और करी लीव्स, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब मैं इसको इस कढ़ी में ऐड कर रही हूँ, जो हमारी कटकड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम यू कोडी।